हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। आज इकोनॉमिक के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो पैसा होता है, मनी होता है, रुपया होता है, उसका क्या फंक्शन होता है। और एट प्रेजेंट टाइम में जो हम एडवांस लेवल पे बोल सकते हैं, जो डिजिटल करेंसी या फिर बिटकॉइन का जो यूज कर रहे हैं, क्या ये अब एक ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम में आकर के इवेल्युएट हुआ है या फिर पहले से रहा है। अगर इवेल्युएट एट प्रेजेंट टाइम में हुआ, इवेल्युएट का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जब हमारी टेक्नोलॉजी जब इंक्रीज होती है ना, डेवलप होती है, तो और भी चीज़ें उसके साथ जो कि डेवलप होती हैं। जैसे मान लीजिए जो पैसा है, हम पहले क्या करते थे, बाप दादा हम लोगों के थे तो ये घर में रखते थे, भूसा में रख देते थे, कहीं गड्ढा खोद करके रख देते थे, तो उसमें क्या होता था, वो लोग रखते थे अपने पास। फिर हमें क्या आया कि भाई बैंक में अपने डिपॉजिट कर लीजिए। अब क्या कि बैंक में डिपॉजिट करें या फिर अपने वॉलेट में जो कि रखिए, तो आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको दिक्कत नहीं है कि आपकी जो कि पॉकेट कट, ट्रेन में जा रहे हो मुंबई की लोकल ट्रेन में तो पॉकेट काट लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप मोबाइल वॉलेट पेपर वॉलेट में है, आप जो कि आप ट्रांसफर किसी को कर सकते हैं, कैश लेने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट राजेंद्र नगर में आपको 5 रुपए की अगर चाय भी पी रहे हैं, 10 रुपए की, तो वो भी जो है कि आप जो कि पेटीएम के जीपे के थ्रू जो कि उसको ट्रांसफर कर सकते हैं आसानी से। मतलब आप कितना इजी हो गया है अवेलेबल कि आप किसी को सडनली विद इन मिनट के अंदर जो है कि सेकंड के अंदर हजारों रुपए जो कि ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात करेंगे आप लोगों के साथ कि रियल में मनी क्या है। ठीक है, मनी क्या है, मनी का रियल में जो कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, और ये कैसे इवेल्युएट हुई। इवेल्युएट का मतलब जैसे बार्टर सिस्टम था, कमोडिटी सिस्टम आया, फिर उसका मेटल सिस्टम आया, फिर पेपर करेंसी आई, प्लास्टिक करेंसी आई, डिजिटल करेंसी बिटकॉइन आ गई, बात समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें लेकर के करेंगे। इसके बाद जो वैल्यू होती है प्राइस की और जो फंक्शन होता है मनी का, वो सारी चीजें क्या होती है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, हालांकि मैंने कई यहाँ पे पिक्चर लगा रखी है, यहाँ पे देखेंगे आप इवेल्युएशन ऑफ द मनी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे करेंगे कि इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं और इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आप सब लोगों से बात करूँ कि जो, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि जो मनी होती है, जो मनी है, मनी का रियल में आप अगर जानने की कोशिश करें कि रियल में मनी का जो है कि फंक्शन क्या है। ठीक है, मनी का अगर हम बोलें कि आपसे फंक्शन फंक्शन क्या है, तो देखिए जनरली हम तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जनरली 1, 2 एंड 3, थ्री कैटेगरी में हम मनी के फंक्शन को डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये क्या करती है, एक आपका एक वैल्यू जो कि डिफाइन करती है, कितनी वैल्यू है। ठीक है, दूसरी बात एक मीडियम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब आप लेन देन में जो है कि कितनी आसानी से काम कर सकते हो। अगर आपके पैसे तो आप कोई चीज ले सकते हैं, दे सकते हैं, खरीद सकते हैं, बस समझ रहे हो। तो प्राइमरी फंक्शन आपका अगर इसको माने तो ये है। दूसरा अगर जो सेकेंडरी सेक्टर माने, तो इसके लिए आपको समझना ये पड़ेगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में आकर के, चलिए एक तो मीडियम है, मीडियम ऑफ द एक्सचेंज का हो जाता है, फिर उसके बाद वैल्यू का आ जा सकता है कि नहीं भाई, कि वैल्यू कितनी मेजर्स, कितनी वैल्यू मेजर्स करने के लिए। दूसरी चीज ये है कि स्टोर द वैल्यू, ये स्टोर करता है, मतलब आप वैल्यू की जो स्टोर करने की जो प्रोसीजर है उसको। जैसे मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए पड़े हैं या 50,000 रुपए पड़े हुए हैं, तो आपके दिमाग में क्या गया, आपके अंदर का एक कॉन्फिडेंस, साइकोलॉजिकली कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए एक रिसर्च के अनुसार ये कहा जाता है कि जिनके पास बैंक बैलेंस नहीं होता है, उनके कॉन्फिडेंस उतने अच्छे नहीं होते हैं, और इस कॉन्फिडेंस लूज होने की वजह से वो एक अच्छे डिसीजन मेकर नहीं बन पाते हैं, तो उनको ये साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होती है। जनरली जैसे मान लीजिए किसी के पास 10,000 रुपये कहीं इन्वेस्ट करना, तो वो 10 बार सोचेगा 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए, कहीं डूब ना जाए, हमें क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, तो अलग अलग तरीके की जो है कि वो सवाल करेगा। लेकिन अब अंबानी जैसे फैमिली को है, उनके लिए 10 10,000 क्या 10 लाख भी अभी कहीं इन्वेस्टमेंट करना, वो सडनली जो कि इन्वेस्ट करेंगे, चलेंगे, छोड़ेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे साल, 2 साल 3 साल के लिए, चलो। लेकिन कोई नॉर्मल आदमी अगर 10,000 रुपये भी अगर इन्वेस्ट करता है, तो वो 50 बार वो देखेगा कि भाई क्या हमारा ग्रोथ हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन जो अमीर लोग हैं, 10 लाख 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, तो उनको पता है कि 3 साल के बाद हमें इतना रिटर्न मिलेगा, वो जो कि बार बार नहीं देखते हैं। तो मतलब क्या है कि ये वैल्यू के हिसाब से भी आपको डिसाइड करना पड़ता है कि रियल में जो ये मार्केट की वैल्यू है कितनी है। दूसरी बात अगर हम कहें, ये ट्रांसफर,
ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर मतलब कि आपकी इंपॉर्टेंस, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो वन हैंड से दूसरे हैंड में जाता, आप या यही कर सकते हैं जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का है ये भी कर सकते हैं। लेकिन एक्सचेंज की अगर हम बात करते हैं तो हम कैश अगर मान लीजिए देते हैं तो हम कोई गुड्स या सर्विस जो कि खरीदने, लेकिन जब ट्रांसफर की बात आती है तो हम कैश जो कि पेमेंट करते हैं एक एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड ने फोन किया, कहा सर ऐसा थोड़ा कुछ मुझे हेल्प चाहिए, 10 रुपये 20 रुपये जो कि हमें ट्रांसफर कर दो, तो आप इमिडिएट ट्रांसफर करेंगे, लेकिन कुछ खरीद नहीं रहे हो आप, ठीक है। इसके बाद अगर हम करते हैं तो ये आप जो है कि डिमांड पेमेंट करेंगे। अगर मान लीजिए कहीं पेमेंट वगैरह करना है तो आप वहाँ पे जो है कि पेमेंट वगैरह की मार्केट जो पेमेंट वगैरह भुगतान करते हैं। लेकिन तीसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि तीसरा फंक्शन क्या है मनी का, ये काफ़ी अगर इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन नॉर्मली एक अच्छा जो है कि क्रेडिट है। पहली बात तो आप ये बेसिक क्रेडिट के बारे में बात करता है। क्रेडिट का मतलब ये हो गया कि आप किसी को भी जो कि ट्रांसफर कर सकते हो, और आपके पास अगर पैसे हैं तो किसी से अगर उधार मांगेंगे भी और भी पैसे ना तो आसानी से मिल जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी कि भाई नहीं। जैसे होता है ना कि अगर कोई पैसा मांगता है तो उसमें क्या लगता है, सामने वाला सोचेगा कि भाई ऐसा नहीं हो कि कैसे लौटाएगा ये, तो ये उसके दिमाग में एक चीज आएंगी, तो वो 10 बार सोचेगा अच्छा ये जॉब करता 50,000 रुपये की महीने की जॉब है, जब हम इसको देंगे 1 लाख रुपये तो हो सकता है कि 2 महीने के एक्स्ट्रा करके हमें दे देगा। बट अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, 50,000 रुपये मांग रहे हो, तो बहुत 0. समथिंग जो पॉसिबिलिटी है कि आप 50,000 मांगे तो आपको 5,000 भी मिल जाए, ठीक है। 50,000 मांगे तो मुश्किल से 5,000 रुपये मिलेगा, तो ये आपका एक क्रेडिट जो कि क्रिएट करता है मार्केट में। इसके बाद एम्प्लॉय फैक्टर द प्रोडक्शन, आप किसी को जो है कि आप पे कर सकते हो, अगर आप कोई वर्क वगैरह करते हो ना, वर्क करवाते हो किसी से, तो ये चीज कर सकते हो। तो जनरली ये चीज दो तीन चीज जो होती है आप जो कि फंक्शन ऑफ द मनी का इस चीज में कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि जो वैल्यू है मनी की, जैसे ये प्राइस को भी डिसाइड करती है। वैल्यू वैल्यू में देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि 85 रुपीज, 85 रुपीज जो है कि पर डॉलर है, ठीक है। एक 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 डॉलर का आपका बोल रहे हैं कि 85 रुपये, क्या मतलब हो गया कि एक अगर डॉलर आप देते हैं तो आपको 85 रुपीज जो कि देना पड़ता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे ना एक वैल्यू मतलब पता चलती है कि मतलब कौन कितना वैल्यूएबल है, बात समझ रहे हो इस चीज को लेकर के। और इसके साथ अब हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम इवेल्युएशन ऑफ द मनी, ठीक है। इवेल्युएशन ऑफ द मनी रियल में कितना कैसे जो कि क्रिएट हुआ है, जो आज हम यहाँ पे देख सकते हो बिटकॉइन का पिक्चर दिया गया है, और यहाँ पे भी देखिए बिटकॉइन का मैंने पिक्चर लगा रहा। अब ये समझिए एक डिजिटल करेंसी है, बात समझिए, जो बिटकॉइन है ये डिजिटल डिजिटल करेंसी है। करेंसी जैसे हम पेपर करेंसी अपने पॉकेट में लेकर के चलते हैं, तो वैसे ये बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन होती है, क्रिप्टो करेंसी बोली जाती है, एंथरियाज बोली जाती है। तो हालांकि हम कभी आएगा, अगर मौका आएगा तो हम बिटकॉइन के बारे में अलग से भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये बिटकॉइन है एकदम एडवांस लेवल पे है, ठीक है, एडवांस लेवल पे है, और अभी इससे ज़्यादा कोई एडवांस करेंसी नहीं आई हुई है। आपके वॉलेट में पड़ा रहेगा, आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे पहले अगर हम बात करें जो डिजिटल करेंसी थी, आपकी प्लास्टिक करेंसी चली थी, जैसे पहले लोग पैसे लेके चलते थे, अब एटीएम लेके चलते हैं, कहीं जरूरत पड़ी 500 रुपये 1,000 रुपये निकाल लेते हैं। हालांकि अब एटीएम का बड़ा ही बुरा हाल हो गया है कि आप कहीं भी 500 रुपये के नीचे की नोट नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में 499 रुपये हैं तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन एक चीज़ और अच्छा ये है, जब हम और गूगल पे पेटीएम वगैरह चलाने लगे हैं, तो अब ये है कि हम जिस अकाउंट में 500 रुपये से अगर कम अमाउंट है तो हम अगर निकाल नहीं पाते हैं अपने एटीएम से, तो हम अपने जो वॉलेट यूज करते हैं यूपीआई, उसके थ्रू जो कि हम ट्रांसफर अपना ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो समझिए किसी के भी अकाउंट में अगर 500 रुपये से 1 रुपये भी अगर कम है, 499 रुपये, तब वो विड्रॉ नहीं कर सकता, वो बैंक के अकाउंट में ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि बैंक चाहे ना अनचाहे में ये पॉलिसी ला करके इम्प्लीमेंट करी दी कि नहीं आपके अकाउंट में मिनिमम 499 रुपये रहने ही चाहिए, तो ये चीजें हो गई। तो लेकिन हम जो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं इवेल्युएशन ऑफ द मनी, इवेल्युएशन ऑफ द मनी पहले देखिए बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या है, बार्टर सिस्टम के बारे में अगर मित्रों हम बात करें यहाँ पे, तो मतलब ये है कि आप जो है कि कोई चीज दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे काऊ का पिक्चर दिया गया है,
गाय दे करके आप जो कि किसी से जो है कि जिसको गाय दे रहे हैं उनसे ही जो है कि आप गेहूं खरीद लीजिए, मतलब जो गेहूं दे रहा है आपको उसको गाय की जरूरत होगी तभी ये कर सकते हैं आप। तो ये बार्टर सिस्टम है। फिर इसके बाद आपका आ गया कमोडिटी, कमोडिटी सिस्टम ये आ गया। ठीक है, ये आप बोल सकते हो जैसे मान लीजिए कि पहले जो होता था लोग गठरी में बांध करके लेके जाते थे, बांध के गेहूं लेके जाते थे, बनिया के दुकान पे देते थे, बनिया गेहूं ले लेता था, फिर उनको उसके बदले हल्दी प्याज नमक ये दे देता था। तो ये अब कमोडिटी सिस्टम हो गया। फिर इसको क्वाइन सिस्टम, क्वाइन आप ये मेटल बोल सकते हो, क्वाइन मतलब जैसे एक होता था जब मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत अगर आप पढ़ेंगे या गुप्ता या मौर्य अगर पढ़ेंगे तो उसमें क्या आता है, तो ये लोग अपनी योग्यता या अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से अपने अपने कार्यकाल में जो है कि तांबे का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, ये अपना एक मेटल का मतलब समझी रहे हो, लोहा कॉपर जो स्टील है इसका जो है कि सिक्का छापते थे। ठीक है, हालांकि अभी भी जो क्वाइन अब छापी जाती है ये भी जो कि वही आपका बोल सकते हो, हालांकि आप लोग नहीं देखे होंगे लेकिन हम लोग के समय जो कि 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा चलता था, वो जो पैसा होता था ना वो एल्युमिनियम का होता था। फिर उसके बाद जो 25 पैसे का होता है जिसको चवन्नी बोलते थे वो जो है कि आपका स्टील का, फिर उसके बाद जो कि बोल सकते हो कॉपर का आता था। तो मतलब क्या है कि ये मेटल का भी जो कि बनता है। फिर इसका मेटल का एडवांसमेंट होकर के आया पेपर करेंसी आ गई, जैसे 500 रुपये की नोट है, ठीक है, 2000 की नोट है, 10 रुपये की नोट है, फिर पेपर करेंसी आई। पेपर करेंसी से फिर और एडवांसमेंट हुआ, बैंक नोटबुक आया, जैसे मान लीजिए कि आप कोई बॉन्ड इशू कर देते हैं या फिर ये बोल सकते हो कि जो चेक बुक आ गया ये भी आ गया, किसी को पैसा कैश 10 लाख देने से अच्छा है कि 10 लाख आप कैश दे दीजिए उसको, ये भी एक जो कि एडवांसमेंट में आया कि भैया 10,000 की नोट जेब में लेकर के चलने से अच्छा है कि आप 10 लाख एक चेक डाल दीजिए, बस छोटा सा रहेगा, उसको अगर कोई छूट भी लिया ना, आपसे चुरा भी लिया तो आप किसी जो को आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। फिर इसके बाद जब हम चेक बुक वगैरह से आ गए तो फिर हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आ गए। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में अगर हम देखें जैसे डिजिटल पेमेंट में आ गया, लेकिन डिजिटल पेमेंट प्लाटिक ये पेपर करेंसी, अगर हम यहाँ पे देखें पेपर करेंसी या पेपर मनी से अगर देखें तो आप इस पे आ जाइए, और इसको दोनों को जो पेपर करेंसी चेक बुक है चेक नोटबुक दोनों को पेपर करेंसी बोल सकते हैं। इसके बाद जो एडवांसमेंट आया था एटीएम का आया था जिसको प्लास्टिक प्लास्टिक करेंसी के रूप में यूज कर सकते हैं हम, कि प्लास्टिक का बना होता था, दिए हैं हम जहां मन करे वहां पे विड्रॉ कर लिए। फिर इसका जब एडवांसमेंट आया तो आप यहां से जो क्रेडिट कार्ड से स्वैप आप करना शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, देखिए POS होता है ना जो इतनी बड़ी सी मशीन होती है, तो उस चीज को लेकर के बोल रहे हैं। इसके बाद अगर हम आते हैं तो जब प्लास्टिक करेंसी डिजिटल करेंसी का एडवांसमेंट होकर, या जैसे बोल सकते हो कि आप क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी जो है कि इसका एडवांसमेंट होकर के निकला, और ये अब तक का इकोनॉमी का अच्छा डेवलपमेंट रहा कि जो आप बता सकते हो। तो ये हमारा था मनी क्या होती है, मनी का इवेल्युएशन क्या होता है, और एक चीज और मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो मनी है रियल में और क्या क्या काम करती है। जैसे यहाँ पे पहला पहला काम ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है, इज दैट क्लियर। दूसरा अगर यहाँ पे फिर से मैं बात कर लूँ ये जो शेप, तो एक वैल्यू आप शेविंग अपना कर सकते हो। तीसरी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये आपका वैल्यू जो कि बता सकता है ये मेजर में, ठीक है, आप कितने वैल्यू जो कि रखे हो। अगर चौथा अगर हम बात करें तो ये आग डिफॉर्मेशन पेमेंट का बात करती है, पेमेंट का। हालांकि पेमेंट और एक्सचेंज में अंतर है, एक्सचेंज का मतलब एक चीज दिए और दूसरी चीज लिए, लेकिन जब हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट या सेंड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम दे दिए बाद में जो कि चीजें एडजस्ट की जाएंगी। तो ये चार पांच जो चीजें होती हैं मनी का जो कि फंक्शन होता है, इवेल्युएशन ऑफ द मनी हमने डिस्कस कर लिया। सो इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही मैं डिस्कस करूंगा, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट्स होती है, नो डाउट मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ आपको, हो सकता है मैं आपके से कम्युनिकेट प्रॉपर तरीके से ना कर पाऊँ, बट आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, ठीक है। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप शेयर करिए, कमेंट्स करिए या फिर इस तरह, लेकिन आप अपने क्वेश्चन राइज करिएंगे ना तो हमें रियलाइज होगा कि नहीं हम जो चीज बता रहे हैं वो आप तक कितने प्रपोर्शन में पहुंच रही है, राइट। तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।